गाइस स्वागत है मेरे चैनल मोटरसाइकिलिंग टूरिज्म में। आज डे थ्री हम आए हैं सोनमार्ग। अब सोनमार्ग से आगे आज डे थ्री में जाएंगे कारगिल। वो हमारी सामने बाइक्स खड़ी हैं और आप व्यू देख सकते हैं। मॉर्निंग का सोनमार्ग का व्यू बहुत ही चिल्ड वेदर है। हमारे भाई साहब मैंने अंदर वार्मर पहना है, तभी भी ठंड लग रही है। सामने रात को नाइट स्टे किया था और आप देख सकते हो सिंध नदी बहुत ही पानी का अच्छा फ्लो है। गाइस हम रात को यहाँ रुके थे, रात को बहुत तेज हवा चल रही थी जो कि हमारे दोनों टेंट है हिल रहे थे और रात को बारिश भी आने के चांस थे। हल्का 10% बारिश हुआ क्योंकि घास गिरी है और उसके कारण है, बारिश के कारण है, कुछ कह नहीं सकते। और जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो सुशीला टनल बन रही है, वो आपको 30 किलोमीटर रास्ता है शॉर्ट हो जाएगा। जो लेह लद्दाख के लिए जाते हैं 30-50 के आसपास दो टनल बन रही है, तो आपका 30-50 किलोमीटर रास्ता आपका शॉर्ट हो जाएगा। आप कम से कम 1-1.5 घंटा पहले पहुँच पाओगे। आप उस टनल में ये सुंदर नज़ारा नहीं देख पाओगे। बहुत ही बेहतरीन सुंदर नज़ारा है। मौसम एकदम चिल्ड बोल सकते हैं, ठंडा मौसम है। साथ मेरे साथ में ये सिंध नदी जा रही है। गाइज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में स्वागत है। कॉफी सैंडविच एंड लजीज, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, तैयार है। और चलिए ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं और आपको सोनमार्ग से कारगिल का व्यू दिखाते हैं। गाइज अभी मैगी बना के खाई है, बहुत ही स्वादिष्ट है। इन पहाड़ों की वादियों में जो भोजन इतना स्वाद लगता है, तो ये चीज़ें बताना नदी के पानी से धोएंगे। इन बर्तनों को नदी में धोने की बजाय 3 मीटर की दूरी से नदी के किनारे पर धोएंगे ताकि अपना नदी का पानी गंदा ना हो पाए। नाइस कपड़ों की मिट्टी। ये हम हैं सोनमार्ग में फिशिंग पॉइंट, जो कि इधर बैक साइड में फिशिंग पॉइंट है। और हमारे साथ ये सर, आप कुछ बताना चाहोगे इस जगह के बारे में? जी हाँ, मेरा नाम मुख्तार अहमद है। ये जगह जो है इसका नाम है फिश पॉइंट सोनमार्ग। यहाँ पे आप कैंपिंग, ट्रैकिंग, नाइट स्टे सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, एक्सप्लोर कर सकते हैं, आउटफिटिंग है और कश्मीरी बाजवान सारा खाने में सब कुछ है, एवरीथिंग। और सबसे मजे की बात यहाँ पे है ग्लेशियर है, जो 12 मंथ्स पूरा ग्लेशियर रहता है, पिघलता नहीं। वो
और जितना हो सके यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे साइट्स हैं, आए एक्सप्लोर करें, आए एक्सप्लोर करें और बहुत अच्छा। और यहाँ के व्यूज के बारे में आप कुछ कहना चाहोगे, कैसे व्यूज हैं, क्या ही बताएं सर, अच्छे वाले व्यूज हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, स्नो है। और आप अब हमारे मोटरसाइकिलिंग भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आप यहाँ पे साथ में कैंपिंग भी कर सकते हो। सामने जगह है नदी, रिवर सिंध नदी है, सिंध नदी के जस्ट बगल में आप कैंपिंग कर सकते हो। और इधर से आप पीछे व्यू देख सकते हो, क्या शानदार व्यू है। और पीछे देखिए आप माउंटेन्स, साथ में फिशिंग पॉइंट शॉप जो कि खाने पीने में बहुत अच्छा है। हमने यहाँ टेंट लगाया था पीछे और रात को स्टे किया था, बहुत अच्छा व्यू है। आप देखिए पीछे ग्लेशियर वाले पहाड़, तो बहुत ही अच्छा शानदार व्यू। गाइस अभी हम सोनमार्ग में हैं और सोनमार्ग में ऊपर ग्लेशियर व्यू देखने जा रहे हैं। ये हमारा ट्रैकिंग का रास्ता है जो कि 15 से 20 किलोमीटर है, बट चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही अच्छा व्यू है। मेरे साथ दो राइडर आज डे 3 ज्वाइन किया है, और जो एक राइडर है वो कारगिल गया है, कारगिल में हम रात को उनसे मिलेंगे, दो राइडर तमिलनाडु से। बहुत ही अच्छा व्यू है। हे गाइस वेलकम इन सोनमार्ग, सोनमार्ग ग्लेशियर। गाइस व्यू बहुत अच्छा है, जो स्नो मेल्ट हो रही है उसका कमी आप देख सकते हो, स्नो कितनी तेज है और सूरज भी है, थोड़ी बहुत गर्मी लग रही है, अर्ली मॉर्निंग बहुत ठंड था, चिल्ड हो रहा था, अभी थोड़ा गर्मी है। सोनमार्ग में ये ऊपर ट्रैकिंग करके अप्रॉक्सीमेट 2.5 से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग सामने से आते हैं तो ग्लेशियर व्यू पॉइंट आप देख सकते हो। गाइस पुल देखिए, इतना स्केरी पुल, पानी का फ्लो, लुधियाना पंजाब जी सर, घूमने के लिए आगे ले जाना है, तो अभी थोड़ा आधा घंटा इधर सोनमार्ग घूमने के लिए आया जी सर। हाँ ऑन है, हाँ बाइक पे। कल ही आए थे ना, आज जा रहे हैं यार। हाँ जी नहीं, मेरी बाइक उधर खड़ी, होटल पे खड़ी थी। क्या सुंदर पहाड़ है यार, पहाड़ बहुत खूबसूरत है। सोनमार्ग आपकी फौज आपके लिए, क्या बात है। गाइस सोनमार्ग से हम राइड स्टार्ट कर चुके हैं और ये बर्फीले पहाड़ बहुत ही सुहाने हैं। हे गाइस स्वागत है मेरी वीडियो में। अभी हम खड़े हैं सोनमार्ग टू कारगिल हाईवे, और आप देख सकते हो सामने ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसके कारण रोड्स ब्लॉक किए गए हैं और सभी राइडर्स आर वेटिंग
से हाय सब्सक्राइब आवर चैनल ड्रम साथी सब्सक्राइब मी टू राइडर मेसी एंड सब्सक्राइब आल्सो मोटरसाइकिल टूरिज्म या 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 राइडर चार्ली एंड राइडर मेसी जो है सामने आप देख सकते हो इधर से कंस्ट्रक्शन सिर्फ यहीं चल रहा है आगे भी चल रहा है सिर्फ यही एसी के कारण रुका हुआ है ओके बट आप कश्मीर की ब्यूटी देख सकते हो हे गाइस वेलकम इन रूट सोनमार्क टू कारगिल सभी राइडर्स वेट कर रहे हैं रोड कब खुले और क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जो जिला टनल बन रही है उसके कारण रोड को रोक दिया गया है अलग अलग जगह से लोग आए हैं तमिलनाडु पंजाब महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र दिस वन इज ऑल्सो महाराष्ट्र फ्रॉम महाराष्ट्र एंड आप बाइक्स के पीछे आप गाड़ियों के ट्रक की लाइन देख सकते हो कितनी ज़्यादा टिल एंड तक काम चल रहा है और ये सामने आई लड़का ही
गाइस वेदर अचानक से 5 मिनट में खराब हो गया है और आप देख सकते हो सामने पहाड़ पे बादल और बारिश आना शुरू हो गया है और इधर भी सामने पहाड़ पे आप स्नो देखिए, बारिश शुरू हो गया है। मौसम का कुछ नहीं कह सकते, जब भी बारिश हो सकता है, हर मिनट में बारिश। मुंबई वाला हाल वही सेम टू सेम वेदर आपको यहाँ देखने को मिलेगा और सामने देखिए क्या फैंटास्टिक व्यू है। सामने पहाड़ पे बादल से कवरेज हो चुका है, बादल से कवर हो चुका है और इधर से बहुत व्हीकल वाले जा रहे हैं, स्कूटर वाले जा रहे हैं और राइडर्स जा रहे हैं, राइडर्स खड़े हैं और इधर से ट्रक आ रहे हैं। सामने है जो है जीरो पॉइंट, इसे इसलिए कहा जाता है, आधा बर्फ का पानी जाता है लेह लद्दाख और आधा जाता है श्रीनगर की तरफ, तो इसे जीरो पॉइंट इसीलिए कहा जाता है। और बारिश शुरू हो चुका है, आप देख सकते हो बारिश के ड्रॉपलेट्स। तो अब मेरे को जल्द से जल्द टेंट लगा के कहीं स्टे करना होगा और वाटर प्रूफ सिस्टम तैयार रखना होगा। तो दो राइडर वहाँ है और बाकी पीछे से चल के आ रहे हैं। बहुत ही शानदार स्केटिंग हो रही है और व्यू बहुत अच्छा है, ठंड बढ़ रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। गाइस बारिश आ चुकी है, अब वेदर देखिए अचानक से 5-10 मिनट में खराब हो गया। हमें जल्दी से जल्द अपना टेंट ओपन करके लगाना होगा और इस वेदर से बचने के लिए हमें ये बेस्ट प्लेस है टेंट के लिए। गाइस टेंट लगा लिया है और आप व्यू देखिए, बारिश हो रहा था 5-10 मिनट पहले बारिश हो रहा था, 15 मिनट पहले कोई बारिश नहीं था, मैं वहाँ सामने रोड पे खड़ा था, बट जब बारिश स्टार्ट हुआ तो मैं उधर से डाउन आने के बाद जब टेंट लगाया बारिश में, टेंट लगाने के बाद बारिश रुक गया, पूरा ग्रीन हो गया है और झरने की सामने से आवाज़ बहुत सुनहरी आवाज़ आ रही है। हमारे सर इनसे मिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इनसे भी इन्होंने सलाह बहुत अच्छी दी है, दिल से शुक्रिया। गाइस बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे, वेदर बहुत ठंड है। मैं आपको मॉर्निंग में व्यू दिखाऊंगा सामने पहाड़ पे बर्फ ये। हेलो गाइस, मैगी हमारी रेडी है और टेंट लगे हुए हैं, सामने भी टेंट लगे हैं, दो टेंट सामने हैं और ये दो टेंट इधर है। अभी हम हैं 0 पॉइंट और जो यहाँ पे लोकल पर्सन है, वेदर बहुत ठंड है उनके लिए, ये बहुत शानदार चीज है, कश्मीरी कांगड़ी इसे बोलते हैं, कश्मीरी कांगड़ी। तो बहुत ही अच्छी चीज लगी ये टेंट, मेरे ख्याल से 10 मिनट में गर्म कर देगा पूरा टेंट, इतना हीट इसमें से आ रहा है। कश्मीरी कांगड़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ कश्मीर में आके बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छे लोग हैं और सभी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है।